हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रीजनिंग यूथ कंपटीशन आरआरबी 2022 टेस्ट गणित से कोडिंग डिकोडिंग का टाइप वन का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। क्वेश्चंस नंबर 51 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 71 तक। तो देखिए, क्वेश्चंस नंबर 51 पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 25 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में। हाउस का कोड दिया है 10 13 23 17 7, तो रिहर्स का कोड क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले नंबरिंग करते हैं। H 8 होता है, O 15, U 21, S 19 और E 5। तो देखिए 8 तो यहाँ पर 10 है, यानी कि 2 बढ़ा है। फिर देखिए 15 तो यहाँ पर 13 है, अब की बार क्या हुआ है 2 कमा है। फिर 21 से 23 हुआ है, फिर 2 बढ़ा है। फिर 19 से 17 हुआ है, फिर 2 कम हुआ है। 5 से 7 हुआ, यानी फिर 2 बढ़ा है। डेट मीन्स पहले 2 बढ़ा है फिर 2 कम हुआ है। तो यहाँ भी वही काम करना है, पहले नंबरिंग कीजिए। R 18, E 5, H 8, E 5, A 1, R 18, S 19, E 5। तो पहले 2 बढ़ाना है, उसके बाद फिर 2 कम करना है। तो 18 2 20, फिर 2 कम करना है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। 5 से 2 कम करेंगे, फिर 2 बढ़ाना है। 8 2 10, फिर यहाँ पर 2 कम करना है, 3 हो जाएगा। फिर 2 बढ़ाना है, मतलब 1 2 3, 2 कम करना है, यानी 16 हो जाएगा। 2 बढ़ाना है, 21 हो जाएगा। 2 कम करना है, 3 हो जाएगा, यानी कि 20 3 10 3 3 16 21 और 3। ये कौन सा ऑप्शन है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का देखिए, यहाँ पर हम अगर जो ऑप्शंस मिलाते हैं तो ऑप्शंस नंबर सी देखते हैं, 20 3 10 20 3 10, फिर 3 3 16 21 3, आपका ऑप्शंस नंबर सी में आपका दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये कब पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में। यहाँ पर देखिए पेंट का कोड दिया है 21563, एसएचओटी शॉर्ट का कोड दिया है 8503, तो टीओएसटी ट्वेस्ट का कोड क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आप टी देख रहे हैं, तो टी कहाँ है, यहाँ भी टी देख सकते हैं, टी का कोड 3 है, यहाँ से भी टी का कोड 3 है, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। टी का मतलब कितना हो रहा है 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। फिर ओ देखिए, तो ओ यहाँ पर है, ओ का मतलब कितना है 0, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। उसके बाद ए है, तो ए का कोड कितना है, ए आपका यहाँ है, तो देखिए ए का कोड कितना है 1, तो 1 हमने लिखा। उसके बाद एस है, तो एस यहाँ पर है, एस का कोड 8 है, तो 8 हमने लिखा। टी है, तो टी का कोड तो 3 था, तो 3 हमने लिखा। 30183 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 52, तो यहाँ पर देखिए 30183 ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, क्वेश्चंस नंबर देखिए 53 पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में। यदि ईयर का कोड 235 है, टिक का कोड 7238 है, तो कराटे का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए के है, तो के का कोड क्या हो रहा है, देख सकते हैं के का कोड 8 है, तो 8 हमने लिखा। फिर ए है, तो ए का कोड देखिए 3 है, तो 3 हमने लिखा। आर है, तो आर आपका यहाँ है, आर का कोड 5 है, तो 5 हमने लिखा। ए है, तो ए का कोड पहले 3 लिख दिए हैं। टी है, तो टी का कोड देखिए कितना है, टी का कोड आपका 7 है, तो 7 लिखा। ई है, तो ई का कोड कितना है, देख सकते हैं ई का कोड 2 है, तो 2 हमने लिखा। 835 372 कौन सा ऑप्शन है, 53 का देखिए ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, 835 और 372, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में। ट्रैक्टर का कोड 14 है, ट्रॉली का कोड भी 14 है, तो स्कूटर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लेटर्स का डबल किया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपका 7 लेटर है, लास्ट कितना है 7, यानी कि टोटल आपका 7 है, तो इसमें आपको 2 से गुना किया गया है, तो आपका 14 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपका 7 लेटर है, तो 7 में 2 से गुना किया है, यानी कि ये भी आपका 14 है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपका 7 लेटर है, मतलब 7 में 2 से गुना किया है, तो 14 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। स्टेयर का कोड आपका ये दिया गया है, तो मोल्ड का कोड क्या होगा। तो एस 19 होता है, टी 20 होता है, ए 1, आर 18, ई 5। तो यहाँ देखिए जस के तस ये लिखा गया है,
तो यहाँ भी m का मान 13 हो जाता है, o का मान 15, u का मान 21, l का मान 12 और d का मान 4। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 55 का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3rd में। यहाँ देखिए प्रमोशन का कोड ये लिखा है, तो ये मॉनिटर का कोड क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि P के स्थान पर 3 है, R के स्थान पर 6 है, इस तरह से आपका कोडिंग देखना है। तो M है, तो M के स्थान पर देखिए क्या है, 1, 2, 3 चौथा स्थान पर है, तो इधर 1, 2, 3 चौथा स्थान पर 4 है, यानी M का कोड कितना है 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। फिर O है, तो यहाँ देखिए O का कोड कितना है, O का कोड 5 है, तो 5 हमने लिखा। उसके बाद N है, तो N यहाँ देख सकते हैं ये आपका है, N का मान 7 है, तो 7 लिखा। आई है, तो आई यहाँ पर है 1, 2 इधर से तीसरा, तो 1, 2 इधर से तीसरा, आई का मतलब 9 है, तो 9 हमने लिखा। टी है, तो टी देखिए यहाँ पर है आपका, यानी कि ये 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना है ओ, तो ओ देखिए यहाँ है आपका, तो ओ का मान 5 हमने लिख दिया। उसके बाद आर, तो आर यहाँ पर है, यानी कि 6, यानी कि 45, 79, 856 कौन सा ऑप्शन है, तो 56 का देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 45, 79, 856 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यहाँ देखिए एक्स्ट्रानेट को ये लिखा गया है कोड के रूप में, टेक्नोलॉजी को इस तरह से कोड के रूप में लिखा गया है, तो टॉलरेंस को किस तरह से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टी है, तो टी का कोडिंग क्या है, यहाँ देख सकते हैं टी का कोडिंग 4 है, या यहाँ से भी देख सकते हैं टी का कोडिंग कितना है 4 है, तो टी के स्थान पर हमने 4 लिखा। अब ओ है, तो ओ देखिए कहाँ है, यहाँ पर आपका ओ है, मतलब अंतिम से तीसरा स्थान पर 1, 2, 3, यहाँ अंतिम से तीसरा 1, 2, 3, यानी कि ये 5 है, यानी कि ओ के स्थान पर 5 हमने लिख दिया। अब एल है, तो एल कहाँ है, तो एल देखिए टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपका एल है, यानी कि ओ के पहले ये आपका एल है, यानी कि आपका 8 हो जाएगा, यानी कि एल के स्थान पर 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा। अब ई है, तो ई देखिए यहाँ पर है, यानी कि 9। आर है, तो आर यहाँ पर देख सकते हैं है 1, 2, 3 चौथा स्थान पर आर है, 1, 2, 3, 4 चौथा स्थान पर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ए है, तो ए कहाँ पर है, ये आर के बाद आपका ये है, डेट मीन्स कहने का मतलब ये 6 हो जाएगा। उसके बाद एन है, तो एन देखिए यहाँ पर है, यानी कि ये आपका 3 हो जाएगा। सी है, तो सी कहाँ पर है, इसमें सी है, 1, 2, 3 तीसरा स्थान पर, 1, 2, 3 यानी कि 2। और ई है, ई का मान तो 9 हमने लिख दिया है, यानी कि 45, 89, 16, 329 कौन सा ऑप्शन है, तो 57 का देखिए सी नंबर ऑप्शन 45, 89, 16, 329 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब देखिए 58, ये पूछा गया है कब, आरआरबी एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में। यहाँ पर वोटर का कोड ये दिया है, यहाँ पर हीटर का कोड ये दिया गया है, और टीजर का कोड ये दिया है, तो एस का कोड क्या होगा, तो आप देख सकते हैं क्लियरली, यानी कि वी का कोड है 4, ओ का कोड है 1, उसी प्रकार से टी का कोड है कितना 3, और ये ई का कोड है 5, और आर का कोड है 2, उसी प्रकार से यहाँ एच का कोड 7, ई का कोड 4, इस तरह से आपका है, तो एस का कोड क्या होगा, तो एस कहाँ है, ये दोनों में तो एस नहीं, यहाँ पर आपका एस है, तो एस 1, 2, 3 अंतिम से तीसरा स्थान पर, तो 1, 2, 3 यानी कि ये देख सकते हैं एस का कोड 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए सी नंबर ऑप्शन में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में। अमेरिका का कोड ये दिया गया है, इंडिया का कोड ये है, तो कनाडा का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कनाडा का पहला लेटर आपका सी है, तो सी का कोड क्या होगा, तो अमेरिका में देखिए यहाँ पर सी है, यानी कि अंतिम से दूसरा स्थान पर सी है, तो यहाँ अंतिम से दूसरा स्थान पर 5 है, यानी कि सी का कोड 5 हो गया। अब ए है, तो ए देखिए इंडिया में यहाँ पर ए आपका है, यानी कि 1, या यहाँ से भी देख सकते हैं अमेरिका का पहला लेटर ए, यानी कि 1, तो ए का कोड 1 हो गया। अब एन देखिए, एन कहाँ आपका है, तो इंडिया में शुरू से दूसरा स्थान पर एन है, और यहाँ शुरू से दूसरा स्थान पर 8 है, एन का कोड 8 हो गया। ए, तो ए का कोड 1 हमने पहले लिख दिया है। अब डी है, तो डी देखिए एन के बाद है, यानी कि शुरू से तीसरा स्थान पर, शुरू से तीसरा स्थान पर 9 है। अब देखिए ए, तो ए का मान तो 1 हमने पहले ही लिख दिया, 51, 81, 91 कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 59, ऑप्शन नंबर देखिए ये बी में दिया गया है, 51, 81, 91 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा गया है कब,
आरआरबी जेई 30/5/2019 शिफ्ट 1 में। यदि आर को 5 लिखा जाता है, हमने लिख दिया है आर को 5 लिखा जाता है, एल को 1 लिखा जाता है, एल बराबर 1 लिख दिया है, एन को 6 लिखा जाता है, एन बराबर 6 हमने लिख दिया है, टी को 2 लिखा जाता है, टी बराबर 2 हमने लिख दिया है, यू को 8 लिखा जाता है, यू बराबर 8 हमने लिख दिया है, एफ को 3 लिखा जाता है, एफ बराबर 3 हमने लिख दिया है, एस को 4 लिखा जाता है, एस बराबर 4 हमने लिख दिया है, आई को 9 लिखा जाता है, आई बराबर 9 हमने लिख दिया है, जी को 7 लिखा जाता है, जी बराबर 7 हमने लिख दिया है। तो 4, 2, 5, 9, 6, 7 किसके लिए लिखा जाएगा? तो यहां देखिए 4 किसका कोड है? एस का, यहां देख सकते हैं। तो यहां पर 4 के सामने हमने एस लिखा। अब 2 किसका कोड है? यहां देखिए टी का, तो टी हमने लिखा। 5 किसका कोड है? देखिए आर का, तो यहां पर हमने आर लिखा। अब देखिए 9 किसका है? तो आई का, तो यहां पर हमने आई लिखा। 6 किसका है? तो यहां पर 6 आपका एन का है। उसके बाद 7 किसका है? तो 7 आपका जी का है। ये क्या बन गया? एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग। कौन सा ऑप्शन है 60 का? देखिए ऑप्शंस नंबर एस टी आर आई एन जी, वी नंबर ऑप्शंस में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 61 क्वेश्चंस नंबर देखिए 61 आपका पूछा गया है आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट 1 में। यदि ब्रदर का कोड 86 है, सिस्टर का कोड 90 है, तो मदर का कोड क्या होगा? तो यहां पर देखिए बी का मान 2 होता है, आर 18, ओ 15, टी 20, एच 8, ई 5, आर 18। तो सभी का एडिशन करते हैं, यानी कि 2 + 18 + 15 + 20 + 8 + 5 + 18। तो देखिए जोड़ लीजिए, यहां पर 18 18 36 हो गया, उसके बाद 36 और 2 ये आपका कितना हो गया? 38 हो गया। 38 के बाद यहां 8 ले लेते हैं, तो 38 और 8 46 हो गया। 46 में हम 5 जोड़ देते हैं, तो 51 हो गया। यहां पर 51 और ये आपका 20, यानी कि 50 20 कितना होता है? 70 और 1 71 हो गया। 71 और 15 कितना? 86, ये आपका 86 हो रहा है। तो यहां देखिए 86 आपका है। उसी प्रकार से सिस्टर के लिए, तो एस का मान 19 होता है, आई का मान 9, एस का मान 19, आई ये टी है, तो टी का मान आपका 20 होगा। इसके बाद देखिए ई का मान 5, आर का मान 18, तो जोड़ते हैं ये 19 + 9 + 19 + 20 + 5 + 18। तो देखिए 19 19 38 हो गया। उसके बाद यहां पर 19 इसे कर देते हैं, यहां पर से 1 दे देते हैं, तो 19 ये 57 हो जाएगा, और यहां पर ये 8 हो गया। 57 और 8 कितना होता है? तो 65, यानी कि अभी तक 65 हो गया। 65 और 5 कितना हो गया? 70, 70 और 20 ये आपका 90 हो गया। तो यहां पर देखिए 90 है ना, उसी प्रकार से यहां करना है। एम का मान 13, ओ का मान 15, टी का मान 20, एच का मान 8, ई का मान 5, आर का मान 18। तो जोड़ते हैं 13 + 15 + 20 + 8 + 5 + 18। अब इसको जोड़िए, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले ये 18 5 कितना होता है? 23। उसके बाद यहां पर 23 और 8 कितना होगा? तो 23 और 8 31। 31 और 20 कितना होगा? 51। 51 और यहां पर 15। 51 और 15 कितना होगा? यानी 50 15 65 1 66। 66 और 13 कितना होगा? तो 66 और 10 पहले, तो 76 और 3 और, डेट मीन्स 79। ये कौन सा ऑप्शन दिया है? 79 जो देखिए, यानी कि आपका कितना हो गया? 79। क्वेश्चन नंबर है 61 का, 79 दिया गया है, बी नंबर ऑप्शंस में दिया है 79। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 क्वेश्चन नंबर देखिए 62 पूछा गया है आरआरबी जेई 31/5/2019 शिफ्ट 1 में। प्ले का कोड लिखा है 8123, आरएच बाय एमई का कोड लिखा है 49367, तो एम ए एल ई मेल का कोड क्या होगा? तो यहां पर देखिए एम एम कहां है? यहां है, तो एम के लिए क्या है कोड? देखिए 6 है, तो यहां पर सबसे पहले 6 लिखेंगे, ए, तो ए आपका यहां है। ए के लिए कोड क्या है? देखिए 2, तो यहां पर हमने 2 लिखा। एल एल किस में है? यहां पर आपका एल है, एल के लिए कोड कितना है? 1, तो 1 लिखा। ई ई देखिए यहां पर है, ई का कोड है 7, तो 7 हमने लिखा, यानी 6217। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 62 का देखिए 6217 ए नंबर ऑप्शंस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 ये पूछा गया है आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 1 में। यहां पर देखिए
राइट को लिखा है 40, चैट को लिखा है 33, तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आर को 18 लिखेंगे, ए का मान 1 और टी का मान 20, तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 18 प्लस 1 प्लस 20 कितना होता है, 18 एक 19, 20 और 19 कितना हो जाएगा, ये आपका 39, जबकि यहाँ पर है 40, यानी कि 39 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाता है 40, और यहाँ पर आपका 40 है, यानी कि जो भी योगफल करके आता है उसमें 1 आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ भी वही काम करना है, देखिए C का मान 3, H का मान 8, A का मान 1 और T का मान 20, तो सभी को जोड़ते हैं 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 20 कितना हो गया, तो 8 3 11 और 1 12, 20 और 12 कितना हो गया 32, और 32 में आपको 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका 33, और यहाँ 33 है। उसी प्रकार से यहाँ भी करना है, R का मान 18, E का मान 5, T का मान 20, U का मान 21, R का मान 18 और N का मान 14, तो सभी को जोड़िए, यानी कि 18 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 21 प्लस, ये 21 हमने लिखा है, 21 के बाद कितना है 18 प्लस, ये आपका 14 है। तो पहले यूनिट डिजिट जोड़ देते हैं, यानी कि 8 5 13 0 13 1 14 14 और ये 4 18 18 और 8 26 के 6 बाकी 2, उसके बाद दहाई का अंक जोड़ते हैं 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और ये बाकी 2 था, यानी कि 7 और 2 9, यानी कि 96, और क्या करना है इसमें आपको 1 जोड़ना है तो कितना हो गया 97, मतलब ये आपका 97 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 97। अब देखिए 64 ये पूछा गया है, आरआरबी आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में यदि एग्जामिनेशन का कोडिंग लिखा है इस तरह से, तो ये जो आपका डिजिट में लिखा गया है 456354 इसका लेटर में क्या होगा, तो देखिए 4 है तो 4 का कोड क्या है, यहां से देख सकते हैं 4 के लिए आपका एन है तो यहां पर हमने एन लिखा, और यहां पर भी आपका 4 है तो यहां पर 4 के सामने हमने एन लिख दिया। अब देखिए उसके बाद 5, तो 5 के लिए देख सकते हैं क्या है आपका ओ है तो ओ हमने यहां पर लिख दिया, और ये 3 यहां पर 5 के लिए वो लिखे तो यहां भी वो लिख देते हैं, उसके बाद 3 है तो 3 कहां पर है, यहां पर आपका 3 है यानी कि तीसरा लेटर ये, तो यहां पर आपका 3 है तो 3 यानी कि 3 के स्थान पर कितना है आई, तो यहां पर हम आई लिखेंगे, और 6 कहां है 3 के ये जस्ट बगल में ही 6 आपका है तो ये टी का मान होता है, तो यहां पर ये टी के स्थान पर 6 यानी 6 के स्थान पर टी हम लिख सकते हैं, तो एन ओ टी आई ओ एन कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 64 का देखिए एन ओ टी आई ओ एन सी नंबर ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 ये पूछा गया है आरआरबी जेई 2 जून 2019 शिफ्ट 2 में यदि डी बराबर 4 कवर बराबर 63 तो बेसिस बराबर क्या होगा, तो यहां पर देखिए डी का मान तो 4 होता है तो यहां पर 4 लिखा गया है, और कवर तो देखिए सी का मान 3, ओ का मान 15 होता है, वी का मान 22 होता है, ई का मान 5, आर का मान 18, तो सभी को जोड़ते हैं यानी कि 3 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, तो देखिए 15 3 18, 18 और 22 40, 40 5 45, 45 और 18 तो 45 15 पहले 60 और 3 और यानी कि 63 ही आपका हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहां भी करना है, बी का मान 2, ए का मान 1 होता है, एस का मान 19 होता है, आई का मान 9, एस का मान कितना 19, तो सभी को जोड़ देते हैं यही पर हम जोड़ देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा ये आपका, सबसे पहले 19 19 कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 और यहां पर 9 एक 10, 38 और 10 48, 48 और 2 कितना हो गया ये आपका 50, यानी कि 50 कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 65 तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 50। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 66 नंबर पूछा गया है आरआरबी जेई 2 जून 2019 शिफ्ट 2 में, यहां देखिए 15789 का कोड ये लिखा है EGKPT, 2346 का कोड लिखा है ALUR, तो 23549 का लेटर में कोड क्या होगा, तो देखिए 2 का कोड क्या है, तो 2 देखिए यहां पर है, 2 का कोड A है तो यहां पर हमने A लिखा, उसके बाद 3 है तो 3 का कोड क्या है, देखिए L है तो L हमने लिखा, फिर 5 है तो 5 आपका कहां है, 5 इधर है, 5 का कोड क्या है, G है तो G हमने लिखा, 4 है तो 4 का कोड देखिए क्या है, U है
तो यू हमने लिखा, अब नाइन है तो नाइन कहां है, यहां नाइन है तो नाइन का कोड टी है तो टी हमने लिखा, ए एल जी यू टी कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। 66 का देखिए ऑप्शंस नंबर ए में ही दिया गया है, ए एल जी यू टी ऑप्शंस नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 ये पूछा गया है आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट 2 में। यहां देखिए इंग्लैंड का कोड लिखा है इस तरह से, फ्रांस का कोड लिखा है इस तरह से, तो ग्रीस जो होगा उसका कोड क्या होगा, तो यहां पर देखिए जी है पहले तो जी आपका यहां दिख रहा है यानी 1 2 3 तीसरा स्थान पर 1 2 3 यानी जी के स्थान पर हम 3 लिखेंगे। फिर आर है, आर आपका यहां है देखिए तो आर का कोड कितना है 8 तो 8 हमने लिखा। ई है तो ई का कोड देखिए कितना है 1 तो 1 हमने यहां पर लिख दिया। फिर ई है तो 1। सी, सी कहां है, सी आपका ये है देखिए तो सी का कोड 9 है तो 9 हमने लिखा और ई का कोड 1 है यानी 38/11/91 कौन सा ऑप्शन है 67 का देखिए 38/11/91 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 पूछा गया है आरआरबी जेई 26/5/2019 शिफ्ट 3 में। यहाँ देखिए पीएएलई का कोड है 2134, अर्थ का कोड है 41590 तो पीईएआरएल का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए पी है तो P के लिए क्या कोड है देख सकते हैं 2 तो यहां पर हमने 2 लिखा। E के लिए कोड कितना है 4 तो यहां पर हमने 4 लिखा। यहां से भी देख सकते हैं E के लिए कोड क्या है 4 तो 4 यहां हमने लिखा। A तो यहां देखिए A के लिए कोड क्या है 1 तो 1 हमने लिखा। यहां से भी देख सकते हैं A के लिए कोड आपका 1 है तो 1 हमने लिखा। R, R कहां है, ये आपका R है, R के लिए कोड 5 है तो 5 हमने लिखा। L, L देखिए कहां है तो L आपका ये है तो L के लिए कोड कितना है 3 तो 3 हमने लिखा यानी 24153 कौन सा ऑप्शन है 24153 ए नंबर ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 शिफ्ट 1 में। यहां देखिए पेन का जो रिलेशन 755 के साथ है फॉग का वही रिलेशन किसके साथ होगा, तो यहां पर देखिए पी 16 होता है, ई का मान 5 और एन का मान 14 है तो यहाँ पर अंकों का योग करते हैं यानी कि 1+6 तो ये आपका 7 हो जाता है और यहाँ अंकों का योग 5 का सिर्फ 5 ही होगा और यहाँ देखिए 1+4 करते हैं तो ये आपका 14 का अंकों का योग 5 हो जाएगा यानी कि 755 इस तरह से आपका यहाँ दिया गया है। तो यहाँ भी वही काम कीजिए, एफ का मान 6 होता है, ओ का मान 15 होता है, जी का मान 7 होता है तो 6 और 15 का अंकों का योग करेंगे 1+5 तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये 7 यानी 667 यहाँ पर आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है 69 का 667 ये डी नंबर ऑप्शंस में दिया है तो डी नंबर ऑप्शंस करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 17/01/2017 शिफ्ट 2 में। यहां देखिए बी का जो रिलेशन 8 के साथ है वही रिलेशन सी का किसके साथ होगा, तो बी का मान 2 होता है तो यहां पर 8 लिखा है यानी कि 2 का क्यूब किया गया है तो ये आपका 2 का क्यूब 8 हुआ है तो सी का मान 3 होता है तो 3 का क्या करेंगे क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है सभी लोग जानते हैं 27 होता है तो ये कौन सा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 71। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 आपका पूछा गया है कब आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट 2 में। यहां देखिए आरएटी राइट का जो संबंध 18/12/0 से है तो जीओडी गॉड का क्या संबंध होगा वाट से, तो यहां पर देखिए आर का मान 18 होता है, ए का मान 1, टी का मान 20 तो 18 1 20 इस तरह से लिखा गया है क्लियरली आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहां करना है जी का मान 7, ओ का मान 15, डी का मान 4 तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 7 15 4 कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में। तो इसके बाद यहां देख सकते हैं टाइप 2 स्टार्ट है 72 नंबर क्वेश्चन से क्लियरली दिखना चाहिए, तो यहां पर 72 जो है टाइप 2 ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और इस बुक का यानी कि ये जो आपका बुक है आरआरबी 2022-23 रीजनिंग यूथ कंपटीशन का 13,700+ तो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हमने यहां पर आपको करा दिया है
टाइप वन आपका पूरा हो गया है, क्वेश्चंस नंबर एक से लेकर 71 तक ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया। तो कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट्स करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी वीडियो आप अपने एग्जाम की आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, अगर अवेलेबल है तो आप जरूर देखिए, और उसके बाद कॉमेंट्स जरूर कीजिए।